मेरा नाम उषा विश्वकर्मा है और मेरी संस्था का नाम रेड ब्रिगेड है। और ऐसा कभी कोई प्लान नहीं था कि ऐसी संस्था बनेगी और इसमें हम लोग काम करेंगे। और ऐसा घटना मेरे साथ हुई कि उसने पूरे जीवन को बदल दिया। 2006 में मैं बच्चों को पढ़ाती थी और मेरे साथी ने ही मेरे साथ बलात्कार का प्रयास किया और जिस कारण मैं 1.5 साल के लिए ट्रॉमा में चली गई। उससे पहले उषा विश्वकर्मा एक बहुत ताकतवर लड़की थी और हमेशा लड़ाई करने वाली, बहुत बोलने वाली, कमेंट्स में भी मिलते थे मेरे माँ बाप को कि लड़की आगे जाके वकील बनेगी। लेकिन वो जो घटना मेरे साथ हुई उसने मुझे तोड़ दिया। मुझे अपने जीवन से ही नफरत हो गई। लेकिन कुछ समय बाद जब 1.5 साल बीता तो काफ़ी हलचल होने लगी। मेरे साथियों ने भी पूछा कि ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि एक लड़की जो थी वो बहुत ज़्यादा हंसती थी और ऐसा अचानक से क्या हुआ कि बिल्कुल शांत हो गई है। तो बहुत प्रेशर आया और साथियों ने पूछा ये मेरे से, तो फिर मैंने उनको ये सारी स्टोरी बताई और फिर मेरे माँ बाप को पता चला। ये और एक माता पिता का जो रिएक्शन होता है कि मैं उस लड़के को जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, खैर तब तक उतना मैं संभल गई थी। मैंने कहा मुझे अभी काम करना है। तो एक बात समझ में आई कि अगर हम सुरक्षित नहीं है, एक लड़की अगर सुरक्षित नहीं है तो उसको शिक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी बात तो सुरक्षा से ही जुड़ी होती है। और सुरक्षा जब तक नहीं आएगी जब तक एक लड़की के अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा। इस पे काम करना शुरू किया। समाज में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि एक वर्ग है कि उसको पूरी आ जाती है, एक तबके की लड़की है कि वो घर में ही रहती है। लेकिन इसमें से पूरे देखते हुए एक बात समझ में आई है कि वो चाहे वो पढ़ी लिखी हुई लड़की हो या उसने शिक्षा नहीं पाई हो या वो बाहर घूमती हो या फिर वो घर में रहती हो, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी, नौकरी करने के बाद भी एक जो औरत को स्वतंत्रता महसूस होनी चाहिए वो नहीं होती है। कि हम बात तो करते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, हमको बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन एक लड़की को जैसे हम एक गमले में शोपीस बनाते हैं कि हम फूल और पौधा लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही माली या फिर जो उसका देखभाल करता है वो पौधे में पानी डालना बंद कर देता है वैसे ही वो सूख जाता है। वैसे ही लड़कियों की आज की स्थिति है कि हमें दिखाया तो जा रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी भी स्थिति उसी गमले की तरह है। हमें गमले में ही सजाया जा रहा है, हमें वो जमीन नहीं दी जा रही है जिसमें अगर हम जमीन में लगते हैं, वो हमें जमीन मिलती है तो एक बार हमारी पकड़ होती है तो हमें किसी की जरूरत नहीं होती है। हम उतने सक्षम हो जाते हैं, हम उतना निर्णय लेने के काबिल हो जाते हैं कि हर डिसीजन हम ले सकते हैं,
लेकिन आज भी हमें वो नहीं मिल रहा है। समझ में आई, रेड ब्रिगेड की शुरुआत हुई और कभी ऐसा प्लान नहीं था, क्योंकि वो जो लड़ाई थी वो उषा विश्वकर्मा के अस्तित्व की स्टार्टिंग में जो लड़ाई थी। लेकिन जब ये हम लोगों ने काम शुरू किया, नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, रैली निकालना शुरू किया, तो उस पर भी कमेंट्स आने लगे। तो हमारा अपना कोई ड्रेस नहीं था, तो लड़कियों ने डिस्कस किया कि कैसे ड्रेस बने, लाल और काला फिर तय हुआ कलर। तो फिर उसमें कुछ लोगों ने बात किया कि लाल काला क्यों, तो उसमें से लड़कियों ने फिर ये बोला कि लाल मीन्स संघर्ष और ब्लैक मीन्स विरोध। हम जब ये लाल कुर्ता और काली सलवार दुपट्टा पहन के निकलने लगे, उसके बाद भी कमेंट आने शुरू हो गए। किसी ने हमें बोला कि तितलियाँ जा रही हैं, तो किसी ने बोला कि उड़ाका दल जा रहा, तो किसी ने कुछ कह के कमेंट किया। उसमें से एक ग्रुप ने कहा, वाह वाह क्या बात है, पावरफुल रेड ब्रिगेड जा रही है। ये नाम हम लोगों को काफी अच्छा लगा और हमारे समूह की लड़कियों ने बोला कि हमारा नाम भी नहीं है कोई और आज से हमारा नाम रेड ब्रिगेड है। तो ऐसे शुरुआत हुई रेड ब्रिगेड की। रेड ब्रिगेड जो काम करता था वो जो लड़कियां थी, मैं थी, वो हम लोगों ने अपने लिए शुरू किया था। लेकिन जब ये लड़ाई शुरू हुई तो ये कब समाज की और देश की बन गई पता ही नहीं चला। हम लोग लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं। आत्मरक्षा तो एक बहुत छोटा शब्द है। आत्मरक्षा के माध्यम से हम कोशिश करते हैं औरतों में, लड़कियों में जो ताकत छुपी हुई है, जो कहीं दबी हुई है, वो बाहर निकल गया है। अब वो बाहर कैसे निकले, समस्या तो ये है कि सब लोग कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। हम सेल्फ डिफेंस सिखाने से सिर्फ उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं ला सकते हैं। तो उसको लेकर के हम अपने इतिहास में जाते हैं कि एक लड़की का, एक औरत का इतिहास क्या है, अच्छा है या बुरा है। कई बार तो कंफ्यूज रहते हैं हम कि हमारा इतिहास है भी या नहीं है। लेकिन उसी समय जब हम एक पुरुष से पूछते हैं कि उसका इतिहास क्या है, तो बहुत प्राउडली बोलता है कि उसका इतिहास बहुत अच्छा है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं। तो हमारे इतिहास में भी बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए करोड़ों महिलाओं ने आहुति दी है। अगर हम देश की ही बात करें तो ये देश सिर्फ हमारे पुरुष भाइयों ने, पुरुष साथियों ने आजाद नहीं करवाया है, इसमें करोड़ों महिलाओं ने अपनी आहुति दी है। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास के पन्नों पे उन महिलाओं का, उन वीरांगनाओं का नाम नहीं है। हम किसी भी विद्यालय में जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो हमें हमारे वीर पुरुषों की तस्वीर दिखाई देती है। तो जो एक चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, जो वो देखता है वही रिसीव करता है। तो आज भी हमें वो दिखाया जा रहा है कि मेल पर्सन स्ट्रॉन्ग है, एक पुरुष स्ट्रॉन्ग है। और वो तुलना भी की जाती है कि हम पुरुषों की तुलना नहीं करते, भाई हमें तुलना नहीं करनी है। हमें जो एक प्रेम चाहिए, जो एक सम्मान चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति न्याय चाहिए, वो बस हमें चाहिए। तो अगर आज हम औरतों का इतिहास नहीं जानते हैं, तो आज के समय में कितनी भी औरतें पढ़ाई कर लें, कंप्यूटर सीख ले, नौकरी कर ले, जो एक निर्णय लेने की क्षमता नहीं आ पाती है, क्योंकि ये हमको कमतर समझा जाता है। अगर हम किसी भी एक औरत की स्टोरी उठाते हैं इतिहास की, एग्जांपल अगर कोई भी स्टोरी उठाते हैं, तो उस समय तो हम गुलाम थे, तो वो क्या ताकत थी कि जब हम सामने वालों से आंखों में आंखें डाल करके बात करते थे। लेकिन वो सारी कथाएं, वो सारी कहानियां, वो सारी स्टोरी खत्म है। तो आज हम औरतों को लगता है कि हम पहले से बहुत खराब थे, तो आज हमें कितनी भी ताकत भरी जाए,
वो निकल के नहीं आती है। तो जो रेड ब्रिगेड की कोशिश है, जो उषा विश्वकर्मा की कोशिश है कि औरतों को अगर ताकत चाहिए, ताकत फिर से जगानी है, तो हमें अपने बैक में जाना होगा, हमें अपने बेस में जाना होगा, हमें अपने जड़ में जाना होगा, हमें अपना इतिहास जानना होगा। और उसके लिए रेड ब्रिगेड लगातार काम कर रहा है कि हम तीन मुद्दों पे काम करते हैं, औरत की सुरक्षा, उनका आत्मविश्वास और इतिहास। क्योंकि जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो उसके लिए आत्मविश्वास होना चाहिए, और जब हम आत्मविश्वास की बात करते हैं तो जब तक मुझे अपने पीछे नहीं पता होगा कि हमारा बेस मजबूत है या नहीं है, है भी या नहीं है, तब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। और ये निरंतर काम कर रहा है। हम लोग लखनऊ में पिछले 2017 से एक कैंपेन चला रहे हैं, सुरक्षित महिलाएं सुरक्षित लखनऊ। तो ज़्यादातर हमने शहर कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी गांव दूर है हमसे। इस वर्ष हमारा ये हम लोगों की कोशिश है कि जो लखनऊ में 1000 गांव हैं उन तक हम जाएं, उनके साथ डिजिटल साक्षरता को लेकर के, आत्मरक्षा के गुण को लेकर के ट्रेनिंग दें और कुछ सीखें और सिखाएं। इसको लेकर के अभियान हम लोग इस महीने से शुरू करने वाले हैं, और ये टारगेट ये है कि हम 2021 तक ये पूरा कम्प्लीट करें। इसके साथ साथ हमारा कोशिश ये है कि समाज में बदलाव कैसे आए, क्योंकि बहुत आसानी से बोल देते हैं समर्थ स्त्री समर्थ भारत, लेकिन स्त्रियों को ये बात जाननी होगी और ये महसूस करना होगा हर एक स्त्री को कि उसको स्त्री होने पर गर्व है। जब ये महसूस करेगी तभी वो कर पाएगी। इसको लेकर कि हम लोग बहुत सारे अभियान चला रहे हैं, और औरत को एक औरत को क्या पूरे समाज में एक संदेश ये जाना चाहिए कि वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। आज के समय में जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, वो चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, दोनों ही एक दूसरे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समाज, ये दुनिया, ये देश किसी एक के दम पे नहीं चलेगा। और हम सब एक बहुत ही सुंदर दुनिया बनाने की, समाज बनाने की, परिवार बनाने की कल्पना करते हैं, लेकिन जैसे जब तक एक स्त्री या फिर पुरुष के आपसी संबंधों में न्याय नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक हम उस दुनिया को जो सोच रहे हैं, बनाने की कल्पना कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा।
तो वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हमको दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना होगा और एक दूसरे का सम्मान करना होगा, तभी हम जो कल्पना कर रहे हैं, जिस समाज की कल्पना कर रहे हैं, और मैं ही ये कल्पना नहीं कर रही हूँ, पूरी दुनिया पूरा देश कर रहा है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो इसको लेकर के हमारी पूरी कोशिश है, और स्पेशली महिलाओं को लेकर के, उनके इतिहास को लेकर के ये पूरी कोशिश है कि वो कैसे जाने।